ओम शांति। 1/10/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं, बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सलका कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं, बाप काले सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं, रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है, रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात, यह भी तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं, यह है पवित्रता की निशानी। आप पवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा फोटो निकालें तो लाइट नहीं दे सकते, यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं, सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं है कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, यह भी किसको पता नहीं है? अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सरताज वालों की पूजा करते हैं, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है, पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो, कोई निम्न जाति है, वह MLA व MP बन जाते हैं अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं, ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए, वह भी पढ़ाई है, डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो, हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं,
तो शूद्रपने की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े, निम्न जात से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों को तो है इस समय के लिए, तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, हम क्या थे हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वह फकुर रहता है, तो तुम भी थे ना कौन पतित छीछी थे, अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो परमपिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे, दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है, वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियां, कितना घोर अंधियारे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा कर नरसिंह नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, हम 84 जन्म ले पतित बने हैं, सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं, वह खुद भी गाते रहते हैं पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह ना सके, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सलका कोई भी कपड़ा पहना है तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भपका करने की बात नहीं है, ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण तो सांवरा दिखाते हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे, गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे, अभी है अंत, सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है, पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे, तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवास, कोई कोई सेंटर्स पर निम्न जात भी आ जाते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो,
हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, यह सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। यह तो समझते हैं, यह तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। ना युद्ध का मैदान है, यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं, यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा यूरोप उस तरफ है, आयरलैंड है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते हैं ना, यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास ना पास तो होते ही हैं, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ ना सके। कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं करेंगे, वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था, यह भी कहां प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई, उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, ना कोई से जीता ना हारा, यह तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गंवाई, फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका, हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। बनने के लिए दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनायस्टी बनती है।
कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, कोई चित्र तैयार किया झट बाबा के पास भागाना चाहिए, बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं मैं सांवल शाह हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है, इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहाँ ही हठ योगियों का म्यूजियम है, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ है जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है, याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्रपने की सब आदतें मिटा देनी है, बहुत रॉयल्टी से रहना है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि बनाओ। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि